ऐसी मूवीज बार बार नहीं थिएटर में मिलने को देखती हमें। ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब मैं मराठी हूँ तो सिर्फ मुझे ही प्राउड होना चाहिए। आप कौन से भी धर्म के हो, आप कौन से भी जाति के हो, अगर आप हिंदुस्तानी हो ना, अगर आप भारतीय हो ना, तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज पे प्राउड होना चाहिए, आपको पृथ्वीराज चौहान पे प्राउड होना चाहिए, आपको महाराणा प्रताप पे प्राउड होना चाहिए। नमस्कार मंडली, कैसे हैं? इट्स विवेक चौहान हर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की तारीख है जगत बारी 19 फरवरी, मतलब आज है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। तो हम जा रहे हैं पावन खिंडा देखने, वो कल ही रिलीज हुई थी, तो उसका रिव्यू भी मैं आपको जरूर दूंगा। तो आज हमारे साथ होने वाले ब्लॉग में यज्ञेश। हाय मित्रांनो, आपने इसे देवी की ब्लॉग में देखा ही होगा, तो पहले जल्दी से निकलते हैं। हाय मित्रांनो, तर खूप भारी मूवी होती आणि तुम्ही नक्की थिएटरमध्ये जाऊन बघा, कारण आपले योद्धे स्वराज्यासाठी कसे लढले हे तुम्हाला बघायला भेटेल आणि तुम्हाला याची जाणीव होईल, तर प्लीज जाऊन बघा थिएटरमध्ये। तो गाइज, आपने यज्ञेश का रिव्यू देखा, तो अब आपको मैं मेरा रिव्यू देता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि यज्ञेश का रिव्यू आपको थिएटर के बाहर मिला और मेरा रिव्यू आपको घर पे मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो मैंने वहाँ पे 7-8 टेक ले मेरे, बट बैकग्राउंड नॉइज बहुत होने की वजह से वीडियो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि फिर अभी घर आके ही शूट करता हूँ। फिर घर आया और थोड़ा मतलब माँ ने कुछ काम बताया तो वो किया, फिर खाना खाया और अभी मेरा भी कुछ काम था तो वो करने के बाद अभी रात के 1 बजे है, तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। मुझे वीडियो आज ही डालनी है इसलिए मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मूवी पे आते हैं, तो जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है तब से मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था इस मूवी का, और मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी थी, बट कल मेरे एग्जाम्स थे तो उस वजह से मैं मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाया, और उसके बाद के भी शो मुझे नहीं मिले क्योंकि हाउसफुल चल रहे मतलब हमारे यहाँ सब। तो आज हमारे यहाँ मुझे एक थिएटर में मिली मतलब टिकट्स, तो वहाँ पे मैं गया दोस्त के साथ मूवी देखने, वहाँ पे भी थिएटर पूरा हाउसफुल था। तो गाइस, अब आते हैं मूवी के रिव्यू पर। तो अगर हम मूवी की बात करते हैं और स्पेशली अगर वो हिस्ट्री बेस्ड मूवी हो तो हम देखते हैं कि कुछ मिर्च मसाला एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है ना, कुछ छेड़खानी तो नहीं की ना इतिहास के साथ। तो इस मूवी में वैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं मराठी मीडियम में मतलब मेरी स्कूलिंग हुई है और मुझे बचपन में पावन खिंड चैप्टर था हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, तो जैसे हमें हिस्ट्री पढ़ाई थी ना सब वैसा है, कुछ एक्स्ट्रा मिर्च मसाला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। मूवी सिंपल है बट ऑसम है, फैबुलस सिंपलिसिटी के साथ मूवी बनाई है, बट मतलब बोल नहीं सकता मैं, शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता, आपको थिएटर में जाके ही मूवी देखनी चाहिए तभी आपको पता चलेगा। तो अब एक्टिंग पे आते हैं, तो जितने भी एक्टर्स हैं ना मतलब उन्होंने बहुत फैबुलस एक्टिंग की, और अगर आप स्पेशल बात की जाए ना तो जिजाऊ की जिन्होंने एक्टिंग की है, मृणाल कुलकर्णी, अजय पुरकर जिन्होंने बाजीप्रभु देशपांडे की भूमिका की है, और अंकित मोहन हो गए उनके बाद जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका की है चिन्मय मांडलेकर, सबने एक्टिंग इतनी इतनी मतलब बोल नहीं सकता, इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना, कभी कभी ना हम भी फील करते हैं मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी डीप मतलब इतने डीप लेवल पे इमोशंस दिखाते हैं ना मतलब वो हमें कि हम अटैच हो जाते हैं। तो अब आते हैं स्टोरी लाइन पे, तो स्टोरी लाइन की बात की जाए ना तो इंटरवल के पहले का पार्ट मैं बोलूंगा अच्छी थी मूवी, डिसेंट थी मूवी, पर इंटरवल के बाद का जो पार्ट बोलूंगा ना मतलब फैबुलस उंदा जबरदस्त, मतलब गूज़बम्स फुल ऑफ इमोशंस, मतलब वो जो डायलॉग भी बोले ना मतलब या छू जाते हैं मतलब डायलॉग्स, वो जिस गहराई से उन्होंने एक्टिंग की है ना मतलब या चुभी है वो जो घाव लगे उन्हें बट फील हमने किया है, इतना मतलब इतनी अच्छी स्टोरी लाइन है ना, सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा मिर्च मसाला कुछ नहीं ऐड किया है, सिंपल स्टोरी है बट बेस्ट। अगर सीन की बात की जाए ना तो जब महाराज शिवा काशिद को कहते हैं कि तुम चलो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा,
और शिवा काशित कहता है कि नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जब इस शिवा काशित ने आपके वस्त्र धारण किए थे तब ये शिवा काशित मर गया था, अब जो है वो सिर्फ आत्मा है। मतलब महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए मावड़े ने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जरा भी पीछे मुड़के नहीं देखा। तो मतलब ये जो सीन से ना मतलब बहुत भावुक कर देते हैं। और उसके बाद जब श्रीमंत रायाजीराव बांदल पे भाले से पीछे से हमला होता है और जब वो मुड़के बोलते हैं कि पीछे से क्या वार करता है, हिम्मत है तो आगे से वार करना, तो वो जो एग्रेशन है ना, मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता, वो आपको मूवी में ही पता चलेगा। मतलब ऐसे बहुत से सीन्स है मतलब मूवी में, मैंने तो सिर्फ आपको दो ही बताए और बहुत है ऐसे मूवी में, तो इसके लिए आपको मूवी ही पूरी देखनी पड़ेगी थिएटर जाके। तो ग्राफिक की बात की जाए ना तो ग्राफिक भी अच्छे थे, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पैन इंडिया लेवल के थे, बट ग्राफिक्स भी अच्छे थे। रीजनल लैंग्वेज की मूवीज का प्रॉब्लम क्या रहता है पता है, बजट इनका कम रहता है क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टेट में ही देखी जाती है ज्यादातर, बॉलीवुड के जैसा नहीं। बॉलीवुड पूरे मतलब भारत में मतलब बॉलीवुड की मूवीज दिखाई जाती है, रीजनल लैंग्वेज का वैसा नहीं होता। साउथ की भी मूवीज अभी अभी पैन इंडिया रिलीज होने लगी है, आई थिंक बाहुबली से कुछ स्टार्ट हुई थी और उसके बाद पुष्पा जो पैन इंडिया के लेवल पे आई है, तो यही ज्यादा प्रॉब्लम रहता है बजट का मेन। तो अगर आप ग्राफिक के बोलोगे ना टेक्निकल में, तो ये टोटल ना 8 मूवीज की सीरीज है जो दिग्पाल लांजेकर बना रहे ना, उस मूवीज का ये थर्ड पार्ट है। पहला फर्जन था, उसके बाद फतेह शिकस्त था, उसके बाद अब ये पावन खिंड। पर ग्राफिक्स के बारे में बोलोगे ना आप, तो फर्जन से अच्छे ग्राफिक आपको फतेह शिकस्त में मिलेंगे और फतेह शिकस्त से अच्छे ग्राफिक आपको पावन खिंड में मिलेंगे। मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है और 5 मूवीज आने वाली है, तो आई होप और मतलब हमें अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे जिससे कि पैन इंडिया लेवल पे भी ये मूवीज देखे जाएगी। मतलब इतनी अच्छी मूवी है ना कि पैन इंडिया पे लेवल पे रिलीज होने चाहिए, बट ग्राफिक्स सिर्फ थोड़े और अच्छे होने चाहिए थे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ग्राफिक्स अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे ग्राफिक्स थे, मतलब इतने कम बजट में भी इतनी अच्छी मूवी बनाना हैट्स ऑफ है। तो मैं आपको कुछ ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि पावन खिंडा क्या है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ट्रेलर का रिव्यू देखा ना, तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं मतलब पावन खिंडा क्या है, प्लेस है या कुछ वॉर का है। तो मैं आपको कुछ ब्रीफ में बताता हूँ सिर्फ। तो पावन खिंडा क्या है ना, ये एक मतलब खिंड है, ये एक प्लेस है। इसका पहला नाम घोरखिंडा था, बट बाजी प्रभु देशपांडे हो गए और उनके साथ जो भी थे ना मावड़े, उन्होंने अपना बलिदान दिया स्वराज्य के लिए, तो इस वजह से ये भूमि पावन हुई और इसका नाम पावन खिंड हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पावन खिंड नाम दे दिया इस खिंड को, जो घोरखिंड इसका पहला नाम था। तो वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, वो सारा वॉर जहाँ पे वॉर हुआ ना वो सब देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में। तो अगर आप फाइनल वर्ड की बात की जाए ना, तो आप ये मूवी जरूर देखिए, और अगर आपको मराठी नहीं आती तो ये मूवी इंग्लिश सबटाइटल में भी अवेलेबल है, पर ये मूवी थिएटर में ही जाके देखिए। मैं आपको मस्ट रिकमेंड करता हूँ ये मूवी, आप जरूर देखिए, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके माँ बाप के साथ, सबके साथ ये मूवी देखिए, जरूर देखिए, मैं आपको मस्ट रिकमेंड करता हूँ ये मूवी। मतलब ऐसी मूवीज बार बार नहीं थिएटर में मिलने को देखती है हमें। तो गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब मराठी लोगों को उनके हिस्ट्री पे इतना प्राउड फील क्यों होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मूवी आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें हमारे इतिहास पे बहुत प्राउड फील होता है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब मैं मराठी हूँ तो सिर्फ मुझे ही प्राउड होना चाहिए। आप कौन से भी धर्म के हो, आप कौन सी भी जाति के हो, अगर आप हिंदुस्तानी हो ना, अगर आप भारतीय हो ना, तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज पे प्राउड होना चाहिए, आपको पृथ्वीराज चौहान पे प्राउड होना चाहिए, आपको महाराणा प्रताप पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि मुझे उन सब पे प्राउड है, मुझे चोलास पे प्राउड है, मुझे पांड्यास पे भी प्राउड है। मतलब जितने भी महान राजा हो गए ना, अखंड हिंदुस्तान के बोलेंगे आप, भारतवर्ष में जितने भी महान राजा हो गए ना, मुझे उन सब 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 पे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। और अभी तो कहीं मैं बाहर के देश में गया नहीं, पर बड़ा होके जरूर मतलब देश विदेश फिरूंगा, तब भी मैं गर्व से कहूंगा कि मैं भारतीय हूँ और ऐसा ऐसा मेरा इतिहास है हमारा। तो बहुत से लोग ना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ना एक दूसरे को गाली देते हैं कि मतलब तुम्हारा राजा अच्छा नहीं, तुम्हारा राजा अच्छा नहीं, ये अच्छा राजा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब राजा मानते, सब ने अपने ईरा में बहुत अच्छे काम किए, हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते, वो सब भगवान के लेवल पे हैं, हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, दे आर ऑल लेजेंड्स और हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो प्लीज ऐसे मतलब किसी दूसरे लैंग्वेज के राजा को कुछ मत बोलिए, वो भी हट होंगे, फिर वो आपको बोलेंगे, फिर आप भी हट होंगे, फिर आप उनको बोलेंगे। सिविल वॉर क्यों मतलब करते हो कंट्री में, बहुत बहुत कम लोग है जो मतलब ऐसा बोलते हैं, बट उनकी वजह से ना सोसाइटी खराब होती है,
तो मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे इतिहास का गर्व कीजिए, मुझे सब पे गर्व है और आप भी सब पे गर्व कीजिए। तो आप ये मूवी जरूर थिएटर में जाके देखिए। अभी रात के 1:15 बजे है, मुझे सुबह 6 बजे तक वीडियो अपलोड करनी है, मुझे 4 घंटे के आसपास लगते हैं वीडियो एडिट करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको ये मूवी का रिव्यू कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं मूवीज वेब सीरीज देखता रहता हूँ और इनसे ज़्यादा मैं बुक्स रीड करता हूँ, ऑडियो बुक्स सुनता हूँ। तो उनके भी अगर आपको रिव्यू चाहिए तो बता दीजिए। फिलहाल मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मंडला वारी है।